कुत्ता लेके भग गया। तो थकते ही ना भाई, गाजा फूंकते, फिर गाजा पीने के बाद फिर से एनर्जी लेते हैं, फिर से ये रनिंग। कुछ फुटप्रिंट मिले हैं। ये आगे इसमें पॉइजन लगाया हुआ था किसी ट्री से, ये पॉइजन लेते हैं। ये वाला है जो बबून मंकी वगैरह को मारने के लिए यूज लेते हैं। ऐसे पानी पीते हैं ये लोग। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ तंजानिया के नॉर्थ पार्ट में लेक यासी के पास में, हरजाबी ट्राइब के पास। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में हरजाबी ट्राइब के साथ। साथ में हम लोग निकल गए, लगभग 3 बजे के लगभग निकले हुए हैं और आज बबून लाइक हाइना ऐसे कुछ हंट करेंगे। तो एक्चुअली कल ये बहुत दुखी हो गए थे, बहुत निराश हो गए थे, कल इनको कुछ मिला नहीं खाने के लिए। तो आज ये बोल रहे हैं कि आज कितना भी दूर जाना पड़े हमें बड़ा एनिमल हंट करना ही है। हम लोग भी बहुत सालों पहले, हर इंसान ऐसे ही जिया करता था जैसे आज हरजाबी ट्राइब जी रही है। ये हंटर गैदर्स हैं, ये रोज़ हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं और उसी से अपना लाइफ कल्चर चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी व्यापन करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। या सारे डॉग्स इन्होंने साथ में ले लिए। ओह थक गया यार भाई, रात के चल रहे हैं। अब हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं यार, आपको क्या बताऊं कितना आगे आ गए हैं, कितना पैदल चलिए। ये लोग ना थक गए। पहाड़ों में चढ़ना पड़ रहा है। इनको यहाँ पे शायद कुछ फुटप्रिंट मिले हैं, किसी जानवर के फुटप्रिंट मिले हैं, तो ये उसी को देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। और ये अपने कुत्तों को तभी लेते हैं साथ में जब इनको कोई बड़ा हंट करना होता है। आज तो इनके ना बड़े हंटिंग के चक्कर में कोई छोटी हंटिंग भी हाथ नहीं लग रही, कोई चिड़िया वगैरह कबूतर वगैरह वो भी नहीं मार पा रहे हैं यार ये बड़े हंट के चक्कर में। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं बिना हंट के ही नहीं रह जाए आज ये। तो फिर से एक और ब्रेक भाई, थक गए हैं सारे के सारे, बहुत ज़बरदस्त। इन लोगों के लिए मैंने वहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत सारी उठा लाया था, तो आज इन लोगों को भी मैं कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ। तो ये लोग काफ़ी खुश हो गए कोल्ड ड्रिंक देख के, मतलब एक्चुअली इन लोगों के लिए तो नई बात होती है ये। ये आप देख सकते हैं कुछ खाने पीने का सब लाया था इनके लिए, ये खा रहे हैं, सभी खुश हैं। और खाने पीने वगैरह का मैं कल ही परचेज़ कर लिया था, मैंने कल ही ले आया था इन सब लोगों के लिए। मैंने सोचा यार बहुत दूर हंटिंग के लिए जाएंगे, इनको हंटिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कम से कम 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो इस दौरान थक जाएंगे। खाने पीने के हंटिंग करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए होता है, इसलिए मैं इनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह मेरे बैग में धर लाया था पहले ही। और ये लोग ना, एक कुत्ता शायद कुत्तों को ना उसकी बबून वगैरह की बू आ जाती है, तो वो कुत्ता शायद पता लगा रहा है कि किधर है, इसलिए अपने कुत्तों को साथ में रखते हैं। ये लोग ना उसको वॉच कर रहे हैं रेगुलरली कुत्ते को। खेला
मैंने इनको कैमरा दे दिया, ये शूट कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं आपस में, कैमरा इन्हीं के पास खेला। तो अभी ना ये अपने हथियार वगैरह फिर से सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े बबून हंटिंग या कोई बिग एनिमल हंटिंग में। तो अभी मैं आपको इनके जो वेपन्स हैं उनके बारे में बताता हूँ कि कौन सा किसके लिए हंट किया जाता है। ये छोटे छोटे बुशबेरी खरगोश खरगोश वगैरह, ये छोटे एनिमल्स वगैरह उनके लिए, दिस वन फॉर बर्ड स्मॉल बर्ड, ये है स्मॉल बर्ड किल करने के लिए। ये भाई साहब ये देख रहे हैं आप, इसमें पॉइजन लगाया हुआ होता है। दिस वन फॉर किलिंग बिग एनिमल, ये है ना जो बिग एनिमल्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। ये आगे इसमें पॉइजन लगाया हुआ होता है, किसी ट्री से ये पॉइजन लेते हैं तो क्या है कि जैसे ही ये मारेंगे उसको तो वो एनिमल्स के ना खून में पॉइजन फैल जाता है और वो ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाता है। तो ये पॉइजन लगाया हुआ होता है भाई साहब, बहुत डेंजरस पॉइजन होता है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। ये लोग पता, इन लोगों को पता होता है। बाकी देखो मैं कितना दूर से पकड़ रखा हूँ, इन्होंने पहले ही मेरे को सचेत कर दिया है कि आगे से मत पकड़ना। और ये है जो पिग वगैरह, जो सुअर वगैरह होते हैं ना उनको पिग, ये पिग वगैरह मारने के लिए यूज लेते हैं। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला है जो बबून मंकी वगैरह को मारने के लिए यूज लेते हैं। ये वाला इसमें इसकी खासियत ये है कि आप ये देखो छोटे छोटे धारदार, ये दिख रही होगी आपको ये छोटे छोटे ये ना उसके जैसे मंकी वगैरह बबून वगैरह, वो थोड़ा सा इंसानी दिमाग होता है उनमें, ये फंस जाते हैं उनकी आंतड़ियों में, उनकी स्किन में, तो वो वापस नहीं खेल सकते। जैसे यहाँ पे आ गया तो यूं वापस खींच लेगा, तो ये फंसने की वजह से वापस नहीं खींच पाते। तो ये है इनके हथियारों के बारे में, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। अब फिर से शुरू हो गया इनका अगला पड़ाव दोबारा से हंटिंग के लिए, बिग एनिमल हंटिंग के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट वेस्ट किया है और जो मैं इनके खाने पीने के लिए लाया था वो खाया है, और अब ये सारे लोग चलते हैं हंटिंग के लिए। हाँ ये बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, कितना भी दूर चल जाना पड़ जाए, लेकिन हंटिंग करके रहेंगे। ये ऐसे जब हंटिंग के लिए जाते हैं, पानी वगैरह कुछ होता नहीं है, तो ये नदी है ना उसमें गड्ढा खोद लेते हैं, और गड्ढा खोद के ज़्यादा नीचे, ज़्यादा पानी ज़्यादा नीचे नहीं होता, जैसे ही गड्ढा खोदते हैं फिर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है नदी में। तो आप देख सकते हैं इतनी झाड़ियाँ हैं, इनमें चलना ही मुश्किल हो जाता है, जिधर देखो उधर कपड़े फंसते रहते हैं। दूसरे पेड़ में आ गई गिलहरी वहां से छलांग लगा के। दोनों निशाने मिस। हो गई भाई सईद, सईद ये कुत्ता लेके भाग गया। फाइनली गिलहरी का शिकार करने में कामयाब हो ही गई।
तो अभी ये लोग इकट्ठे करते जा रहे हैं, फिर एक जगह बैठ के और इनका ब्रेकफास्ट करेंगे जब तक इनको कोई बड़ा हंट नहीं मिल जाए। कितना दौड़ लगानी पड़ रही है यार, ये जिधर आवाज सुनते हैं उधर ही भाग लेते हैं बस। बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन उनको बबून्स दिखे, उन्होंने बोला थोड़ी देर आप वेट करो, थक गए, हम थोड़ी देर ट्राई करते हैं बबून पकड़ने का। कितना मशक्कत करना पड़ता है इनको एक बबून या बड़ा एनिमल हंट करने के लिए यार, कितना डिफ़िकल्ट है इन लोगों का लाइफ, लेकिन ये खुश हैं, इनको कोई शिकायत नहीं है लाइफ से, अभी तक भी इनको कोई बड़ा हंट वगैरह नहीं मिल पाया है। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे पानी पीते हैं। पूरे के पूरे लगभग 18 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं हम लोग, मेरा जो फिटनेस बैंड है वो 18 किलोमीटर बता रहा है यार। मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था इतना दौड़ना, जिंदगी में एक दिन में कभी नहीं दौड़ा होगा 18 किलोमीटर। अलग ही लेवल का है यार एनर्जी लेवल इनका, भाई साहब जो एनर्जी दौड़ते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये सामने देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पूछो मत कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए हंट करना बबून या कोई बड़ा जानवर, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे ये लोग यार। मीठे हैं भाई, थोड़े बहुत खा लेता हूँ, भूख प्यास दोनों लगी है। भाई हम भटक गए यार, वो जो हरजाबी ट्राइब के लोग थे उनसे शायद हम बिछड़ गए हैं, पता ही नहीं जंगल में वो किधर गए, हम लोगों को किधर जाना था। काफ़ी देर हो गई उनको ढूंढते ढूंढते, ना ही उनकी लैंग्वेज समझते और ना ही पता चलता किधर से आवाज़ लगा रहे हैं। तो अभी आ गए इनके पुराने जगह के पुराने निवास स्थान पे, ये आप देख रहे हैं ये जगह, ये पहाड़ियों में, ये इन गुफाओं में, ये पत्थरों चट्टानों के नीचे रहा करते थे पहले, तो यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब तक कोई शिकार नहीं मिला है।
अब तक कोई भी हंटिंग नहीं मिला है। आज इनको बड़ा हंटिंग तो छोड़ो, छोटी हंटिंग भी नहीं मिल पाई बेचारों को। छोटे जानवर का ये कबूतर चिड़िया वगैरह उनका शिकार भी नहीं कर पाए बेचारे यार। सो बहुत बैड लक है यार आज इनके लिए, आज और कल का पता नहीं। मैं तो पनौती नहीं हूँ, मैं साथ में, इसलिए तो नहीं हो पा रही है इनकी हंटिंग। ये है इनका पुराना, यहाँ पे रहते थे ये। अभी जो जिस ग्रुप के साथ में हूँ ना, वो पहले यहाँ पे रहते थे, फिर यहाँ से उनको थोड़ा रहने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं वो लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका कोई चूल्हा उल्ला होगा, यहाँ पे आग वाग जलाया करते होंगे। और ये यहाँ पे है जो इनका कोई पुराना घर होगा, ये गुफा है, चट्टान है, चट्टान के नीचे रहा करते होंगे। यहाँ पे जो ये सोने के लिए यूज में कर लेते थे इसको, इस जगह को, जब बारिश वगैरह हुआ करती थी ना, जब इसको सोने के यूज में लेते थे ये लोग, तो यहाँ पे इनको खाने पीने में थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो इसलिए ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ दूर से, ये आप देख सकते हैं। और ये गाइड के हाल देखो, नहीं नहीं थका, ये गाइड के हाल देखो, बेहाल होके शुद्ध बेशुद्ध पड़ा है यहाँ पे। नहीं थका, मैं नहीं थका भाई। अभी तो मैं, अभी हमारी लगभग 25 किलोमीटर की है जो वॉक हो चुकी है, वॉक और रनिंग। अभी तो इतना 25 और कर लूँगा मैं। पानी वानी सब ख़त्म हो गया, पानी तो लाया नहीं था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी वो ख़त्म हो गई, बिस्किट थे वो हो गए ख़त्म, प्यास लगी है। अब देखते हैं, देखे बीच में रास्ते में कुछ पानी, भाई नदी वदी में कुछ भी पानी मिल गया तो वो भी पीना पड़ेगा। अब तो कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। पानी यदि आपको कहीं नदी में मिल जाता है तो आप पी सकते हैं उसको, अदरवाइज प्यासे तसाए मरते रहो। और ये अभी हम यहाँ पे है जो आग जलाई है इन लोगों ने, आग जलाई है, तो यहाँ पे लोग कुछ शहद वगैरह करेंगे, कुछ कमेडी वगैरह पकड़ी है उनको भून भून के खाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ गिलहरी या कमेडी या चिड़िया वगैरह इन्होंने एक हाथ पकड़ी है। बड़े हंटिंग के शिकार में ये छोटी हंटिंग भी भूल गए आज तो। और ये देखो इन भाई लोगों के हाल, ये है यहाँ का कुछ नज़ारा कुछ ऐसा है। तो मैं भी अब आराम कर लूँ थोड़ा सा यार। कितना रिलीफ मिल रहा है यार बस। लेकिन आज इन लोगों के साथ में हंटिंग पे क्या एक्सपीरियंस मिला, अभी तो मैं देखूँगा मेरे कहाँ कहाँ स्क्रेचेज आए भाई, झाड़ियों में पता नहीं, चेहरे पे, एक पैर में तो बहुत ज़्यादा आ गया, इस वाले पैर में पैंट में से ही फंस गया एक। अब रूम पे जाके देखूँगा कहाँ कहाँ स्क्रेचेज आए हैं, मैं यहाँ रास्ते में कुछ नहीं देखूँगा। चेहरे पे भी आया था लेकिन हल्का आया था, हाथों पे सबसे ज़्यादा आए हैं यार। ये नहीं पहना हुआ होता ना आज, शर्ट पहना हुआ नहीं होता ना टी शर्ट के ऊपर, तो हालत ख़राब हो जानी थी आज तो यार, सही बता रहा हूँ। भाई शहद ले आया बहुत सारा, चलो थोड़ा बहुत शहद खाते हैं, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। ये है फ्रेश शहद, हाँ बिल्कुल फ्रेश शहद है भाई। भाई जो बांट चूट के खा रहा है सबको खिला रहा है। हाँ भाई बोल रहा है कि अब हम लोगों को ना नीचे चलना पड़ेगा वाटर, पानी पीने के लिए नदी में। भाई जाना पड़ेगा, क्या करें, प्यास लगी है यार बड़ी जोरों की।
ऐसे पानी पीते हैं ये लोग। ऐसे पानी पीते हैं आज भी यार। इन लोगों का सब नहाना धोना सब इसी से, नदी के पानी से या बरसात के पानी से ही होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर वही लाइफ है जो अपने पुराने सालों साल पहले अपने बुजुर्ग अपने पूर्वज जिया करते थे। सेम वो का वो लाइफ फील कर रहा हूँ मैं आज, जो सालों पहले जो इंसान सब इंसान जिया करते थे ना, जो पढ़ा करते थे किताबों में, वो आज रियल फील कर रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम लोग वापस से आ गए हैं, इनका निवास है वहाँ पे आ गए। आज बड़े शिकार के चक्कर में यार छोटे मोटे शिकार भी नहीं कर पाए, तो आज ये लोग इतने हताश है, इतने निराश है, पूछो मत यार, मुझे ही बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग 3 बजे निकले थे और 2:35 हो गए अभी, तो हम लोग लगभग 11.5 घंटे आप सोच सकते हैं कि जंगल में घूमते रहे ये लोग, और 11.5 घंटे में इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया। और लगभग 35 किलोमीटर बता रहा है मेरा फिटनेस बैंड यहाँ से, मतलब पूरे दिन में हम लोग लगभग 36 किलोमीटर हैं जो भटकते रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको जज करेंगे, इन लोगों को जज करेंगे कि एनिमल्स को हंट करना अच्छा नहीं है, बर्ड्स को हंट करना अच्छा नहीं है, लेकिन यार देखो हम इनको जज करने वाले कोई नहीं होते। ये शौकिया तौर पर नहीं मारते हैं, ये अपना पेट पालने के लिए अपना परिवार पालने के लिए लोग हंट करते हैं। सारे लोगों के मुंह लटके हुए हैं यार आज इनको, सही में यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों को बिल्कुल भी। ये देखो सारे बेचारे थक गए हैं ये, और ये देखिए सुबह 3 बजे के निकले हुए थे, चिलचिलाती धूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो गया। तो यार ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से ना वाइल्ड एनिमल्स हैं जो बर्ड्स हैं वो कम, उनकी कमी होती जा रही है, और वो हैं जो जंगलों से दूर भागते जा रहे हैं या फिर वो कम होते जा रहे हैं, तो इनके लिए फाइंड करना उनको सर्च करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है यार। तो अब मैं इन लोगों को बोलता हूँ बाबाई, हालांकि मैंने मेरी तरफ से कुछ हेल्प किया है इन लोगों का, तो मैं भी इन लोगों को बाय-बाय बोलता हूँ और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है इनका जो कल्चर है लाइफ स्टाइल वो दिखाने की, मतलब वो पर्सनल फील वो पर्सनल टच देने की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यार ये ट्राइब्स वगैरह को दिखाना इतना आसान नहीं होता और ना इतना सस्ता भी नहीं होता, बहुत महंगा पड़ता है ट्राइब्स तक पहुँचना, यहाँ तक आप पहुँचने का मान सकते हैं कि कितना खर्चा आता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जो अभी तक नहीं किया वो जरूर करके जाएं। फिर मिलते हैं किसी एक नए एडवेंचर के साथ नए व्लॉग में नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।